साथियों, सिख गुरु परंपरा केवल आस्था और आध्यात्म की परंपरा नहीं है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार का भी प्रेरणा पुंज है। हमारे पवित्र गुरु ग्रंथ साहब से बड़ा इसका उदाहरण और क्या हो सकता है। इसमें सिख गुरुओं के साथ साथ भारत के अलग अलग कोणों से 15 संतों और 14 रचनाकारों की वाणी समाहित है। इसी तरह आप गुरु गोविंद सिंह जी की जीवन यात्रा को भी देखिए। उनका जन्म पूर्वी भारत में पटना में हुआ, उनका कार्य क्षेत्र उत्तर पश्चिमी भारत के पहाड़ी अंचलों में रहा और उनकी जीवन यात्रा महाराष्ट्र में पूरी हुई। गुरु के पंच प्यारे भी देश के अलग अलग हिस्सों से थे और मुझे तो गर्व है कि पहले पंच प्यारों में एक उस धरती से भी था, द्वारिका से, गुजरात से, जहां मुझे जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। व्यक्ति से बड़ा विचार, विचार से बड़ा राष्ट्र, राष्ट्र प्रथम का यह मंत्र गुरु गोविंद सिंह जी का अटल संकल्प था। जब वो बालक थे तो ये प्रश्न आया कि राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए बड़ी बलिदान की जरूरत है। उन्होंने अपने पिता से कहा कि आपसे महान आज कौन है, ये बलिदान आप दीजिए। जब वो पिता बने तो उसी तत्परता से उन्होंने अपने बेटों को भी राष्ट्र धर्म के लिए बलिदान करने में संकोच नहीं किया। जब उनके बेटों का बलिदान हुआ तो उन्होंने अपनी संगत को देखकर कहा, चार मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। अर्थात मेरे चार बेटे मर गए तो क्या हुआ, संगत के कई हजार साथी, हजारों देशवासी मेरे बेटे ही है। देश प्रथम, नेशन फर्स्ट को सर्वोपरि रखने की ये परंपरा हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। इस परंपरा को सशक्त करने की जिम्मेदारी आज हमारे कंधों पर है।